मैं एक बात कहना चाहता हूं कि ये समुदाय अपनी बात का पक्का रहता है। कांग्रेस के राज में मोरारजी देसाई ने गोल्ड कंट्रोल एक्ट लाकर ऐसा इनको कांग्रेस का पक्का विरोधी बना दिया कि बड़ी मुश्किल से आज ये मौका आया जो आप और हम बात कर रहे हैं। और ये मौका भी इसलिए आया है कि नरेंद्र मोदी जी ने यूपीए सरकार का प्रस्ताव का विरोध उस समय कर दिया था और कहा था कि बस मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं, लेकिन उनकी तो आदत है अगर उनके बयान प्रधानमंत्री के बनने के पहले देख लीजिए और अब देख लीजिए, जमीन आसमान का फर्क है। क्योंकि उनकी आदत में शुमार है कहना कुछ और करना कुछ। लेकिन अब मुझे लग रहा है कि जिस तरह से मोरारजी देसाई के गोल्ड कंट्रोल एक्ट का विरोध करके आप कम से कम 40 साल तक कांग्रेस का विरोध करते रहे, अब ये मौका आ गया है कि अगले 50 साल तक भाजपा का विरोध करना पड़ेगा। बहुत बढ़िया, मंजूर है? मोदी का विरोध करना मंजूर है? भाई हम तो आपके साथ अब खड़े हैं, और सोनिया गांधी और राहुल गांधी ऐसे हैं जो कहते हैं सो करते हैं। ये बात मैं कहना चाहता हूं कि आज हमारा व्यापारी समुदाय, उसने घर 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 मोदी, हर हर मोदी। अब वो मैं नहीं कह सकता, वो भाई आप कह सकते हो, मैं नहीं कह सकता। एक जमाना था आप कहते थे हर हर मोदी, घर घर मोदी। मेरे से कुछ एक हमारे मित्र मिले मुंबई के, उन्होंने कहा साहब 3 हफ्ते तक मैंने वाराणसी जाकर मोदी का हर हर मोदी, घर घर मोदी किया, लेकिन अब मैंने कहा अब क्या होगा कि साहब आप घर पर नहीं बैठेंगे जब तक कि मोदी और भाजपा को हरा ना दें। और आपने ठीक नारा दिया है, मैंने देखा कई जगह जाके, हमारी भूल। मैं एक बात जानता हूं, इस देश की अर्थव्यवस्था कहां जा रही है ये दुनिया भर का जीडीपी, सेंसेक्स ये कुछ नहीं है। अगर दुकान के हमारे सुनार की दुकान पे जाके पता लगा लो, वो कह के साथ तेजी है तो मतलब अर्थव्यवस्था सुधर रही है, और कहे के मंदी है तो समझ लो कि कितना जीडीपी बढ़ जाए हालत खराब है। क्योंकि कोई भी व्यक्ति जिसके जेब में पैसा है ये सबसे पहले सुनार की दुकान पे जाके कुछ ना कुछ चांदी सोना खरीद के आता है। इसलिए आप जो लोग हैं ये सही मापदंड है देश की अर्थव्यवस्था के। और आज की अर्थव्यवस्था कहाँ है बताओ, तेजी है कि मंदी है? मंदी अगर है तो नरेंद्र मोदी झूठ बोलता है कि नहीं बोलता है? झूठ बोलने वाले से वही सलूक किया जाना चाहिए जो 40 साल तक आप लोगों ने विरोध किया था। अब अगले 50 साल तक भाजपा और नरेंद्र मोदी को दुकानों में घुसने ना दो, और जो कुछ भी इधर उधर हो रहा है उनको साथ लो। सुनार हमारा व्यापारी टैक्स देने से घबराता, टैक्स लगा दो। जैसा कि दीपेंद्र ने कहा कि ये इंस्पेक्टर राज तुमने घुसा दिया, अरे हमारी लड़ाई तो गरीब के लिए है। जो आप कारीगर है वो बेचारा कौन सा रिकॉर्ड रखेगा, कहां कहां तक इंस्पेक्टर को रोज माहवारी देता फिरेगा। लड़ाई उस बात की है, इंस्पेक्टर राज के हम खिलाफ हैं। मैं मुख्यमंत्री के नाते आप मध्य प्रदेश के सुनारों से, व्यापारियों से पूछ लो, मैंने सेल्स टैक्स इंस्पेक्टर को दुकानों में घुसने से मना कर दिया था,
कि तुम्हारे को कोई हक नहीं है दुकान में घुसने का। इंस्पेक्टर राज समाप्त होना चाहिए, और इंस्पेक्टर राज समाप्त तभी होगा जबकि भाजपा का राज में एक तो चंदा वसूली इंस्पेक्टर करते हैं और दूसरे चंदा वसूली ये भाजपा के नेता लोग करते हैं, संघ के लोग करते हैं, जो कभी धर्म के नाम से आज भंडारा है, आज हमारा यज्ञ है, ये करके धर्म के नाम पर पैसा बटोरते हैं। आपका ये पूरा समुदाय धार्मिक लोग हो, धर्म का पालन करने वाले लोग हैं, अच्छे लोग हैं, भले लोग हैं, लेकिन भाजपा का धर्म का कोई लेना देना नहीं है, हिंदुओं का हिंदुत्व से कोई लेना देना नहीं है। हम सब हिंदू धर्म के पालन करने वाले हैं। हुडा जी हैं, माकन जी हैं, हमारे दीपेंद्र जी हैं, दिग्विजय सिंह हैं, छतर सिंह जी हैं, हम सब धर्म के पालन करने वाले, हिंदू धर्म के पालन करने वाले लोग हैं, लेकिन हिंदुत्व का कोई लेना देना धर्म से नहीं है। ये लोग तो वो हैं जो हिंदुओं को भड़काकर बहकाकर अपना राजनीतिक उल्लू सीधा करते हैं, वोट भी लेते हैं, चंदा भी लेते हैं और धोखा भी देते हैं। इसलिए आपने जो बात कही है, क्या प्रधानमंत्री जी नवाज शरीफ को फोन करके बोला कि ये क्या करवा रहे हो तुम? तो कुछ ना कुछ तो डील हुई है नवाज शरीफ और प्रधानमंत्री जी के बीच में। सारा देश आज प्रधानमंत्री से जानना चाह रहा है कि दोनों के बीच में क्या डील हुई है।